9 न्यूज और आपके साथ मैं हूँ फिजा काजमी। राजस्थान की सियासत में बैकफुट पर खड़ी वसुंधरा राजे एक बार फिर अपने आप को सियासत के केंद्र बिंदु पर खड़ी करने में जुट गई हैं। यही वजह है कि राजे राजस्थान से दूर देश की राजधानी दिल्ली में अपनी सिंधिया वेला में सियासत की शतरंज को सुलझाने में जुटी है। बीजेपी में चल रही गुटबाजी जयपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ जहाँ वसुंधरा राजे प्रदेश बीजेपी की बैठकों से दूरी बना रही है, वही वसुंधरा के समर्थक चाहते हैं कि वसुंधरा को पार्टी सीएम फेस बनाया जाए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाम चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ के तिगड़ी के सामने ये कैसे संभव होगा, क्योंकि सीएम बनना तो सबका सपना होता है। इसलिए 8 मार्च को अपने जन्मदिन पर वसुंधरा राजे कुछ बड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। इस मौके पर वसुंधरा राजे रैली करके शक्ति प्रदर्शन कर सकती है या भरतपुर में देवी देवताओं के दर्शन करने के और 84 कोसी परिक्रमा करने के बाद कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है। प्रदेश में जब से सतीश पूनिया ने पार्टी अध्यक्ष की कमान संभाली है, तभी से दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। अपने अपने वर्चस्व को लेकर पार्टी में दो खेमे बने हुए हैं। वसुंधरा राजे प्रदेश बीजेपी की बैठक से कोई ना कोई बहाना बनाकर दूरी बना लेती है। ऐसे में इसी बीच 21 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होनी है। इस बैठक में राजस्थान की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते वसुंधरा राजे को शामिल होना है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी शामिल होना है। उनके साथ ही महामंत्री अलका गुर्जर और संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी इसमें शामिल होंगे। पिछले दिनों दिल्ली में वसुंधरा राजे और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच बैठक हुई थी। उसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि 21 तारीख की बैठक में राजस्थान में चल रही गुटबाजी को सुलझाया जा सकेगा, क्योंकि अगर समय रहते राजस्थान बीजेपी की ये उलझी गुत्थी नहीं सुलझी तो घमासान और बढ़ सकता है, जो कि पार्टी के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।